सो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो। तो एक बार और ग्रैनी वापस आ चुकी है ग्रैनी चैप्टर 3 में। और ये ग्रैनी चैप्टर 3 क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि इसमें तीन प्लेयर रहते हैं। एक तो प्योर भूती रहती है जो बार बार आके जलाती है, आप लोग को वीडियो में दिखेगा। एंड दो तो हमारे रहते हैं, एक ग्रैंड पा एंड ग्रैनी। तो वे वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं क्योंकि आप लोग को दोनों का वॉल्यूम परफेक्ट आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड ग्रैंड पा और ग्रैनी से जो बच के रहना है, तो मैं एक बार ईजी पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हो पीछे, अबे क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, हाँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे बोट है, ठीक है। एंड यहाँ पे सिलेंडिया, अच्छा ये भी इसको भी हटाने का एक ऑप्शन है। ओके तो मैं इसे रहने देता हूँ क्योंकि तभी तो वीडियो के बीच में मज़ा आएगा। इन लोगों को भी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड इजी, नॉर्मल, हार्ड या प्लास्टिक। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसके घर को अच्छा से देखते हैं। एंड आपको मैं हल्का स्पीच कर दूंगा ये वीडियो को, एंड मैं वॉइस ओवर कर दूंगा, तो आप लोगों को पूरा घर तो दिख ही जाएगा और प्लस अच्छे से दिखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अभी मेरा प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने यहाँ से उठा लिया है। एंड यहाँ पे बहुत सारे लॉक रहते हैं, तो ये अच्छा चीज़ है कि यहाँ कोई भी डोर ब्लॉक नहीं है, आप सब यहाँ पे खोल सकते हो। मैं ये भी खोल देता हूँ, तो आप सबको खोलते ही जाना है क्योंकि बाद में तो आपको खोलना ही है, तो इससे अच्छा कि पहले ही खोल लो, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे भी खोल लिया हूँ। एंड यहाँ पर कुछ टेबल भी है, तो आपको मैं घर का एक पूरा एक्सप्लोर करवा देता हूँ। घर कैसा दिखने में, ये बाहर का एरिया है। ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे टोटल 3 फ्लोर है, मतलब 3rd फ्लोर तो है ही, ऑब्वियसली 3 फ्लोर है, ठीक है। यहाँ कुछ सेफ्टी मांग रहा है, तो मतलब बहुत ही बड़ा घर है। एंड दरवाजे तो इतने हैं कि आप देखोगे तो आप पागल हो जाओगे। ओ भाई ओ, मैं इसी की बात कर रहा था, यही बहुत ही डरावनी भूत है, चुराहल है, राक्षस, आप जो भी कहो। या कोई ऐसे माचिस का डब्बा मिला है, फेंक देते हैं। एंड मैं आपको थोड़ा जल्दी कर देता हूँ किया हूँ, क्योंकि पूरा दिखना चाहिए। यहाँ कुछ कंप्यूटर है पर ये वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ ओ भाई फिर से आई थी, यहाँ सिरे ही है, इसे ऊपर चलता मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। एंड आप देख सकते हो मैं बाहर आ चुका हूँ, एंड यहाँ पे मैं गिर गया। तो अभी हम इसे बैक करते हैं, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं ईजी वाला मोड खेलने, तो हम लोग ईजी खेलेंगे, उसमें हम देखेंगे ग्रैंडपा या ग्रैनी कौन कौन आते हैं। यहाँ पर मैं प्ले पर दबाया, तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मतलब मैं ईजी पे जाता हूँ, एंड मैं बहुत ज़्यादा रखूँ कि सिंगल रखूँ, तो मुझे लगता है मैं बस ग्रैंडपा रखूँ, क्योंकि तो मैंने जब ग्रैनी चैप्टर 2 का भी डाला था, मैं ग्रैंडपा के साथ ही पास हुआ था, ऐसे फुल कर लेता। अच्छा चलो ये हो चुका है, तो अभी तो इंट्रो आपको दिखा देता हूँ। अपने फैक्ट्री देख ले, तो आप मैंने आपको पूरा घर घुमा दिया है। चलो अभी दिखाते हैं आपको ये भी। तो यहाँ पे Day 1 हो चुका है, तो यार देखो ग्रैनी फिर से वापस तो आ गई है, पर अभी हमें भी ये घर से निकलना है। तो ये है वीडियो में मैं जाने वाला हूँ, फुल स्केप होने वाला है ये वीडियो में। यहाँ पे मुझे इतना तो पता है यहाँ एक लॉक रहता है, एंड इसे दाब के 2 मिनट रखा जाता है, 2 सेकंड यार, एंड ये खुल जाता है। 2 सेकंड तो नहीं, तो 60 सेकंड रख लो, मतलब 1 मिनट खुलने का तो खुल ही जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे ये खुल चुका है, हम चलते हैं। और मुझे ये याद रखना है कि ग्रैंडपा भी हमारे साथ, ये प्रैक्टिस का नहीं है, ये क्या हो रहा है अपने अपने। तो देखो ऊपर चलो आराम से, एंड ये दरवाजे को भी खोलना पड़ता है। अभी मैंने प्रैक्टिस में देखा, अच्छा हुआ मैंने खेल लिया, मुझे एक आइडिया आ गया, घर का एक मैप दिखा दिया गया है, मेरे दिमाग में आ गया है, सेट हो गया है कि हाँ घर में यहाँ यहाँ है। और मुझे डर का तो ये डर ये बात का लग रहा है कि बाई चांस अगर ग्रैंडपा ऊपर से आ गया जल्दी में तो मेरा क्या होगा। तो बाहर का दरवाज़ा तो खुला हुआ है, तो मेरे ख्याल से ग्रैंडपा बाहर होगा, पर वो नहीं है। तो देखता हूँ अभी, वो अगर ऊपर है तो फिर तो डर की बात है। यहाँ पे ये रूम तो खुला हुआ है शायद, हाँ ये रूम खुला हुआ है, चलो अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम ग्रैंडपा का वेट करते हैं, अगर वो आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो अपने जाके ढूंढ लेंगे। ओके, तो ग्रैंडपा कहाँ है बेटे तू? ओ बेटे ग्रैंडपा आ गया, अभी उसके गोली के बचना है अभी। अच्छा 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 मैं बचा, अबे ये कहाँ से आ गई यार भूजनी। हाँ चलो मैं छुप तो गया अंदर, अब ग्रैंडपा तो मुझे नहीं देख पाएगा, तब भी मेरे मन में एक डर है, अगर बाई चांस मुझे घर पर देख लिया तो। अभी वो बाहर चल गया, तो जल्दी उठता है, देखते वो कहाँ जा रहा है। तो वो बाहर जा रहा है, अच्छा बेटा तू बाहर क्यों जा रहा है मुझे पहले ये बता। पहले तो ग्रैनी चैप्टर टू में तू ज़्यादा सारा नहीं बनता था, ठीक है। अभी हाथ में गन आ गई है, बॉडी वॉडी थोड़ा एकदम मट बना लिया है, टाइट कर लिया है, अभी बहुत ज़्यादा हीरो बन गया ग्रैंडपा तो। और ग्रैनी चैप्टर टू में तो लगता था सारा बूढ़ा टकला बूढ़ा। ऊपर भागते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ग्रैंडपा मुझे देख लिया है, तो मे भी हो वो मुझे पकड़ने आ रहा हो। तो अगर मैं डे थ्री भी जिंदा रहना गया, इतना डे थ्री तक भी बहुत है। अबे ये कहाँ से आ जाती है, इतना डराती है यार, मैं सच बता रहा हूँ बहुत डराती है ये, इससे बच कर रहना। तो ग्रैंडपा भी ऊपर आने वाला है, तो यहाँ से भी जल्दी भागना पड़ेगा यार, अगर वो मुझे देख लिया फिर तो मेरा हालत ख़राब हो जाएगा, हुक्का हो या ना हो। तो अभी यहीं पे कहीं छुपने का जुगाड़ करना पड़ेगा, इसके अंदर मैं चल जाता हूँ एंड दरवाज़ा मैं बंद कर लेता हूँ। एंड मुझे यहाँ सर्कल से तो दिख ही रहे ठीक ठाक, तो मेरे ख्याल से ये वाला आइडिया मेरा परफेक्ट है। पर अगर वो यहाँ आया ही नहीं तो, इसलिए मैं बाहर निकलता हूँ एंड मैं चलता हूँ बाहर। ओहो हो आ गया, अबे नहीं 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 अबे मारता भी क्या है, गन है बेटे के पास। अभी तो पहले उसका औकात कम था, अभी औकात ज़्यादा हो गया ग्रैंडपा का। और ग्रैनी के पास कुछ और आ गया क्या, मैं तो ग्रैनी को रखा ही नहीं गेम में, ये मैंने गलत किया, रखना चाहिए था। चलिए तो अभी उठते हैं एंड फिर से गेट को खोलना पड़ेगा, या पूरा गेट को खोलना पड़ेगा मुझे लगता है, यही खोलना पड़ेगा, बाकी सब तो ओपन ही होगा। इसे हम खोल के जल्दी पहले बाहर निकलते हैं एंड चलते हैं ऊपर एंड देखते हैं यहाँ भी कुछ है क्या। यहाँ तो कुछ नहीं है, अरे फिर उल्टा जाने लगा भाई, ऊपर चलना है। तो अभी ऊपर हम लोग आ गए हैं, फिर से खोलना पड़ेगा, नहीं नहीं खुल जाएगा फिर, हाँ खुल गया। एंड ग्रैंडपा तो कहीं दिख नहीं रहा, पर मुझे ऊपर जाने में डर लग रहा है कि बाई चांस अगर ग्रैंडपा होगा तो, इसलिए मैं हल्का डर रहा हूँ। पर कोई नहीं, जाना तो पड़ेगा यार, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। ग्रैंडपा मेरे ख्याल से उधर वाले रूम में है, ठीक है, हाँ उधर एक दरवाज़ा खुला हुआ है एंड मेरे ख्याल से ग्रैंडपा उधर ही है। तो देखता हूँ मैं, हाँ वो आने रहे, आ रहे आ रहे आ रहे, तो भाई भागना जल्दी पड़ेगा, ये दरवाज़ा भी नहीं खुला है। सोफा में चलो छिप जाता हूँ, पर छिपने से क्या होगा, देखना तो पड़ेगा कि ग्रैंडपा क्यों नहीं आया। ओके तो यहाँ ग्रैंडपा तो आ ही नहीं रहे, ओके तो वो आ चुका है, अभी जल्दी छुप। ओके तो मैं यहाँ पे छिप गया हूँ, पर मेरे ख्याल से ना मुझे बाहर निकल के घूमना चाहिए, पर मैं घूम क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा दिमाग में मैप तो है नहीं अच्छा से घर का कि हाँ यहाँ ये चीज़ मिलेगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। बाकी मैं तो जा सकता था, पर मैं अभी गया नहीं। तो ग्रैंडपा फिर से बाहर जा रहा है क्या, नहीं नहीं वो कहीं ऐसे कोने में जाके छुप रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं।
तो अभी ग्रैंडपा का पीछा करते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहा है। तो इधर तो ग्रैंडपा बैठे है ही नहीं, अरे वो मिस्टर इंडिया बन गया क्या? अच्छा इधर है ग्रैंडपा। ओके तो ग्रैंडपा आ गया है, वो मुझे देख चुका है, तो जल्दी भागना पड़ेगा, भाग मिल्का भाग, जल्दी भाग। ओके तो यहाँ पे मैं आके छुप जाऊँगा अंदर, भाई ऑप्शन ही नहीं आ रहा छुपने वाला, तो आया छुप गया मैं। अभी वेट करते हैं ग्रैंडपा का कि ग्रैंडपा आए, तो मुझे लग रहा है कि वो नहीं आएगा, पर मैं क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ये, रुकना तो पड़ेगा। चलो उठ जाता हूँ अब एंड बाहर जाके देखता हूँ, तो वो नहीं आया है, नहीं आया वो, नहीं आया तो ग्रैंडपा तो आया नहीं। अब क्या करना है, चलिए तब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बाय बाय टाटा।